हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में एक सर्कल का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला है इन फिगर में, इस वाली फिगर में एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू ए सर्कल विद सेंटर ओ। एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट टू ए सर्कल ऑफ सेंटर ओ, ठीक है ना। अनदर टेंजेंट ए बी, अनदर टेंजेंट है ए बी, एक टेंजेंट है विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी, जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी है। इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए एंड एक्स डैस वाई डैस एट बी, एक्स वाई को ए पे और एक्स डैस वाई डैस को बी पे इंटरसेक्ट करता है, तो प्रूफ करना है एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है बहुत, देखो सबसे पहले इसमें गिवन लिखते हैं, गिवन में एक्स वाई एंड एक्स डैस वाई डैस आर टू पैरेलल टेंजेंट, ठीक है, ऑफ सर्कल ऑफ सेंटर ओ, ठीक है। उसके अलावा ए सी ए बी भी टेंजेंट है, तो उसके भी लिख सकते हैं ए बी इज टेंजेंट विच टच डी सर्कल सर्कल एट पॉइंट, जो सी पे सर्कल को टच कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू, ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री प्रूफ करना है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग करेंगे कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, इसको इससे ज्वाइन करेंगे ओ को सी से, ठीक है। तो ज्वाइन पॉइंट ओ टू सी, इसको ज्वाइन करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे इसका प्रूफ स्टार्ट। प्रूफ तो देखो, प्रूफ करने के लिए ना हम इसको एंगल वन, इसको एंगल टू, इसको एंगल थ्री और इसको एंगल फोर लिखते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखेंगे इस ट्रायंगल ए पी ओ और ए सी ओ में, तो लेट कर लेते हैं पहले, लेट एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू एंगल वन, एंगल ए ओ सी बराबर एंगल टू, एंगल सी ओ बी बराबर एंगल थ्री एंड एंगल बी ओ क्यू बराबर एंगल फोर। तो इन ट्रायंगल ए पी ओ, इन ट्रायंगल ए पी ओ एंड ट्रायंगल ए सी ओ में मैंने दो ट्रायंगल इसलिए लिया क्योंकि मैं दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर सकता हूँ। कैसे, ए पी बराबर ए सी, पेयर ऑफ लेंथ ऑफ टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, ए ओ बराबर ए ओ कॉमन, ओ पी बराबर ओ सी क्योंकि रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। देखो तो यहाँ पे ए पी बराबर ए सी लेंथ ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ये हमारी थ्योरम होगी, ठीक है। फिर ओ ए बराबर ओ ए कॉमन, ओ ए इज इक्वल टू ओ ए कॉमन, ठीक है। फिर ओ पी बराबर ओ सी, ओ पी बराबर ओ सी क्यों, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। तो बाई साइड 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 क्राइटेरिया ट्राइंगल ए पी ओ कॉन्ग्रेंट्स हो गया टू ट्राइंगल ए सी ओ के, ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रेंट्स हो गया, तो बाई सी पी सी टी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट्स ट्राइंगल, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, ठीक है। इसी तरीके से सिमिलरली एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर हो जाएगा, एंगल फोर हो गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद देखो ये इन चारों एंगल का जो सम है वो कितना होना चाहिए, 180, क्योंकि एक पी ओ क्यू क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री एंगल फोर इज इक्वल टू 180 होगा, इसको लीनियर पेयर बोलेंगे, लीनियर पेयर्स, ठीक है। अब हमें आंसर में क्या लाना है, हमें आंसर में लाना है
AOB हमें लाना है AOB मतलब एंगल 2 और 3। तो 1 बराबर 2 क्या, तो मैं 1 की जगह पर 2 लिख दूंगा, 4 बराबर 3 क्या, तो 4 की जगह 3 लिख दूंगा। तो 1 की जगह क्या लिखना है मुझे, एंगल 2, क्योंकि 1 बराबर 2 के है, और 4 की जगह क्या लिखना है, एंगल 3, क्योंकि 4 बराबर 3 के है। तो यहाँ पे एंगल 3 आ गया, ठीक है ना, क्योंकि मुझे एंगल 2 और 3 लेके आना है आंसर में। प्लस का ये लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया, इसकी जगह 2, इसकी जगह 3 इज इक्वल टू 180, ठीक है। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 इज इक्वल टू 180 है। अब यहाँ से एंगल 1 इज इक्वल टू 2 के है, एंगल 1 की जगह 2 लिख दिया, एंगल 4 इज इक्वल टू 3 है, एंगल 4 की जगह 3 लिख दिया, ठीक है, क्योंकि मुझे एंगल 2 प्लस 3 लेके आना है अपने आंसर में, ठीक है जी। तो देखो एंगल 2 प्लस 2, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2, एंगल 3 प्लस 3, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू 180। यहाँ से अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो आएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। 2 से इसको डिवाइड में करेंगे तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 का मतलब कितना हो गया है, AOB, इसके इसका मतलब हो गया AOB। तो एंगल AOB इज इक्वल टू आ गया 180 अपॉन में 2, एंगल AOB इज इक्वल टू आ गया 90 डिग्री, ठीक है ना जी। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है।